जय श्री राम दोस्तों। तो पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये इंटरव्यू देखो, पहले का। Thanks to change it. And how to rest for one part. Yeah. तो पानी आप पीछे रहे। दोस्ती बनी रहे। अपनी दोस्ती बनी रहे। You came here happy and thankful to me. It's okay. Your things are, आपके आइडियाज हैं, आप बोलते रहते हैं। मोदी साहब, मोदी साहब, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता, आप उसको कोशिश कीजिए। मुझे मुझे एक समझा सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, आई एम सेइंग व्हाई कांट यू करेक्ट मी। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस इंटरव्यू में साफ साफ देखा कि वहाँ पे अपना इंटरव्यू देने नहीं या सवाल का जवाब देने नहीं, वहाँ पे रिश्तेदारी जोड़ने के, शायद इनको रिश्तेदारी जोड़ने या रिश्ते बनाने का ज़्यादा शौक है। जब इनको रिश्तेदारी और रिश्ते जोड़ना था तो ये अपने घर में जोड़ते, अपनी माँ से जोड़ते, अपनी फैमिली से जोड़ते। ये मुझे लगता है रिश्तेदारी नहीं जोड़ना चाहते, सोचता है सब मेरे तलवे चाहते हैं। जैसे जो आज इसने हालत कर रखी है ईडी की, सीबीआई की, ईसी की, इसी मतलब इलेक्शन कमीशन, तो मुझे लगता है कि अपने कर्मों को छुपाने के लिए रिश्तेदारी जोड़ते हैं। कि सवाल का जवाब देना तो मुझे नहीं लगता इनके बस की बात है, वो तो मनमोहन सिंह ही कर सकते हैं। कम से कम इंटरव्यू तो दिया है, अनस्क्रिप्टेड, उनकी एक अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू अभी मैंने देखा, उसमें इनका पसीना पसीना आ गया, पानी पीने लगे। ये पूरा हीरो था एक खलनायक वाले के अमरीश पुरी हैं। तो आप लोग ऐसे लोगों को अपना नेता बनाने से पहले एक बात सोचें। हालांकि आज स्थिति ये है कि ऑप्शंस भी यही हैं, मैं सच बोलूँगा, मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, ऐसी स्थिति यही है कि ऑप्शंस भी यही हैं और गलत भी यही हैं। बाकी सारी पार्टी भ्रष्ट ही हैं, नहीं तो वो आर रूलर पार्टी होती। तो फिर भी हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, ऑप्शंस दिखें तो ऑप्शंस को चुनना चाहिए, उनसे बेहतर ऑप्शन दिखते हैं। जय श्री राम।